हेलो, वेलकम टू टेक चेंबर। लास्ट सेशन में हमने फॉर लूप के बारे में देखा था और उसमें कौन से हम ऑप कोड यूज़ करते हैं वो देखा था। इस सेशन में हम डू लूप के बारे में देखेंगे और डू ऑप कोड को प्रॉपरली समझेंगे कि किस तरह से हम उसको प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है डू नेम से, मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो मेनली जैसे कि लास्ट सेशन में भी हमने देखा था कि हम लूप किस तरह से यूज़ करते हैं। लूप क्या होता है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को अगर हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो हम उसको लूप बोलते हैं। और हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं, जैसे फॉर लूप हमने लास्ट सेशन में देखा था, इस सेशन में हम डू देख रहे हैं, फिर हमारे पास डू वाइल है, डू अनटिल है। तो इस तरीके से हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं पर्टिकुलर किसी लाइन ऑफ कोड को बार बार रिपीट करने के लिए। तो अभी वाले जो सेशन में हम देखने वाले हैं वो है डू लूप के बारे में। तो डू लूप के लिए हम जो ऑप कोड यूज़ करते हैं वो डू है और एंडू है, और ये दो ऑप कोड से हम इस लूप को इटरेट कराते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो लाइन नंबर 7 पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है काउंटर नेम से, यहाँ पे आप F4 ले सकते हो। तो जैसे कि हमारा फिक्स फॉर्मेट है तो हम डी स्पेक से वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम लिखा काउंटर, डिक्लेरेशन टाइप हमने एस लिया स्टैंड अलोन के लिए, लेंथ हमने 4 ली और इंटरनल डेटा टाइप हमारा एस लिया, हमारे को न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी थी इसलिए, और डेसिमल पोजीशन 0। तो ये तो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। उसके बाद में लाइन नंबर 9 पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे F4 लिया, तो यहाँ पे हम ऑपरेशन वाली जगह पे लिखते हैं ऑप कोड का नेम। तो हम अभी हम जो ऑप कोड यूज़ कर रहे हैं वो है डू, ठीक है। फैक्टर 1 में हम लिखते हैं इनिशियल पोजिशन, मतलब कहाँ से हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी। तो हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे इस लूप को, और फैक्टर 2 में लिखते हैं कि कहाँ तक जाएगी फाइनल वैल्यू, और रिजल्ट में हम लिखते हैं काउंटर वेरिएबल का नेम जो इसके इटरेशन को होल्ड करेगा। तो अभी इसका मतलब अगर हम देखें तो डू क्या करेगा, 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक जाएगा, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको काउंटर में स्टोर करेगा। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, काउंटर को प्रिंट करा के देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे भी 1 है, 1 यहाँ पे स्टोर होगा, डिस्प्ले हो जाएगा, फिर एंड डू के बाद में वापस जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, फिर वापस 3, 4, 5, इस तरीके से सारी वैल्यूज को ये 1 बाय 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको कंपाइल कर, और यहाँ पे फिर हमने डिस्प्ले करने के बाद में, डिस्प्ले के लिए आप देख सकते हो ऑपरेशन में DSPLY लिखा है, ये भी एक ऑप कोड है, और Factor 1 में जो भी वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एंड डू किया हमने इस डू लूप को एंड करने के लिए, जैसे इफ के लिए एंड इफ होता है, फॉर के लिए एंड फॉर होता है, वैसे डू के लिए एंड डू होता है। और लास्ट में हमने स्टार सेट ऑन करा हुआ है, लास्ट रिकॉर्ड ऑन किया हुआ है, जिससे हमारा प्रोग्राम एंड होगा। मैं इसको कंपाइल करके इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखो 1, 2, 3, ये टिल 10 तक सारी वैल्यू को 1 बाय 1 प्रिंट करेगा। अब हम एक चीज देखते हैं कि अगर सपोज आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको कोई भी एक नेम बार बार प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक, ठीक है। इस टेक को मेरे को 10 टाइम्स प्रिंट कराना है। तो अभी देखते हैं कि ये कर पाए, अभी होगा ही क्या इसमें, इतना करके हम प्रिंट करके देखते हैं। अब देख सकते हो ये 10 टाइम्स इस टेक को प्रिंट कर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि जितने बार भी हम किसी लाइन्स ऑफ कोड को अगर रिपीट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ये लूप यूज़ करते हैं, और वो लूप इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक स्टेप बाय स्टेप मूव करता है। और अगर हमारे को इंडेक्स वैल्यू को होल्ड करना है तो हम यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल में उस इंडेक्स वैल्यू को होल्ड भी कर सकते हैं अगर प्रोग्राम में यूज़ करना है इसलिए। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और RPG टॉपिक के बारे में देखेंगे। So thank you for watching Texture Math.